हे गाइस, दिस इज कॉलेज वाला। वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, आज हम बात करने वाले आईआईटी जम्मू के कट ऑफ के बारे में। हम इस वीडियो में देखेंगे आईआईटी जम्मू के सभी ब्रांचेस के ओपनिंग एंड क्लोजिंग रैंकिंग कैटेगरी वाइज। सो आप लोग को ये वीडियो लास्ट तक देखना है ताकि आप लोग भी जे एडवांस के काउंसलिंग में कोई दिक्कत ना आए और आप लोग सही सही काउंसलिंग कर पाएँ। कभी कभी होता है कि अच्छे रैंक आने के बावजूद भी आपको कॉलेजेस और ब्रांच अच्छे नहीं मिल पाते हैं क्योंकि आपको प्रीवियस ईयर कटअप्स वगैरह पता नहीं होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। अगर आपने अभी तक हमारा वीडियो लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली वीडियो आप तक जल्दी से जल्दी पहुँचे। और अगर कोई दिक्कत आए तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर पूछ सकते हैं या टेलीग्राम का लिंक दिया वहाँ ज्वाइन होकर पूछ सकते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यहाँ केमिकल इंजीनियरिंग का। तो जेंडर न्यूट्रल के यहाँ कट ऑफ के लिए ओपन हुआ था ये 13,639 पे क्लोज हुआ था 14,513 पे। वहीं जेंडर फीमेल के लिए 24,990 पे क्लोज हुआ था। बात कर लेते हैं ईडब्ल्यूएस कैटेगरी। तो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में जेंडर न्यूट्रल के लिए आपको ईडब्ल्यूएस रैंक 2,207 और जेंडर फीमेल के लिए 4,206 पे क्लोज हुआ था। वहीं ओबीसी की बात करें तो 5,515 पे क्लोज हुआ था जेंडर न्यूट्रल के लिए। बस साथ ही बात कर लेते हैं केमिकल इंजीनियरिंग में एससी कैटेगरी के लिए। तो जेंडर न्यूट्रल के लिए 2,889 और जेंडर फीमेल के लिए 1,423 पे क्लोज हुआ था। ये एससी रैंक है, ठीक है। बात कर लेते हैं एसटी कैटेगरी में। तो जेंडर न्यूट्रल के लिए 2,399 पे क्लोज हुआ था और जेंडर फीमेल के लिए 937 पे क्लोज हुआ था। ये जो मैं अभी आपको कट ऑफ बता रहा हूँ ये जो था कि सिक्स्थ राउंड के कट ऑफ है, ठीक है। ये लास्ट राउंड के कट ऑफ हैं तो आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा कि यहाँ ये फर्स्ट राउंड है या लास्ट राउंड का। मैं पहले बता दे रहा हूँ ये लास्ट राउंड के कट ऑफ है था। अब चलिए बात कर लेते हैं सिविल इंजीनियरिंग की। आईआईटी जम्मू में सिविल इंजीनियरिंग करने के लिए आपको ओपन कैटेगरी में जेंडर न्यूट्रल के लिए 14,700 पे क्लोज हुआ था। वहीं जेंडर फीमेल के लिए 25,309 पे क्लोज हुआ था। बात कर लेते हैं ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की। तो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में आपको जेंडर न्यूट्रल के लिए ईडब्ल्यूएस रैंक 2,168 और जेंडर फीमेल के लिए 4,305 पे क्लोज हुआ था। साथ ही बात कर लेते हैं ओबीसी एनसीएल की। तो जेंडर न्यूट्रल के लिए आपको 5,429 पे क्लोज हुआ था। यहाँ पे लास्ट राउंड में शायद ओबीसी फीमेल नहीं का सीट नहीं बचा था, इसलिए यहाँ पे बस ओबीसी में जेंडर न्यूट्रल का ही दिखा रहा है। साथ ही बात कर लेते हैं सिविल इंजीनियरिंग में एससी कैटेगरी की। तो सिविल इंजीनियरिंग में एससी कैटेगरी का जेंडर न्यूट्रल के लिए आपको 2,633 एससी रैंक और फीमेल कैटेगरी में आपको 1,241 पे क्लोज हुआ था। अब साथ ही बात कर लेते हैं हम लोग एसटी कैटेगरी में सिविल इंजीनियरिंग के लिए। तो जेंडर न्यूट्रल का एसटी रैंक 791 और फीमेल कैटेगरी के लिए 743 पे क्लोज हुआ था। अब हम लोग का सबसे चहेता ब्रांच कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग की बात करते हैं। तो कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग आपको आईआईटी जम्मू में पढ़ने के लिए जेंडर अगर ओपन कैटेगरी में देखें और जेंडर न्यूट्रल का देखें तो ये 3,723 पे ओपन होता है और 5,238 पे क्लोज होता है। वहीं अगर फीमेल कैटेगरी की बात कर ले तो फीमेल कैटेगरी में ये 8,744 तक पे ओपन हुआ था और 10,552 पे क्लोज हुआ था। साथ ही अब ओपन में पीडब्ल्यूडी कैटेगरी की बात कर लेते हैं। तो जेंडर न्यूट्रल के लिए आपको 43 पे क्लोज हुआ था। कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात करें तो जेंडर न्यूट्रल के लिए आपको 611 ईडब्ल्यूएस रैंक और जेंडर फीमेल ओपन हुआ था और 845 पे क्लोज हुआ था। वहीं ईडब्ल्यूएस में अगर फीमेल की बात करें तो ईडब्ल्यूएस रैंक 2,047 पे ओपन हुआ था और 2,047 पे ही क्लोज हो गया था। अब बात कर लेते हैं ओबीसी की। तो ओबीसी कैटेगरी में आपको जेंडर न्यूट्रल के लिए 2,019 ओबीसी रैंक पे ओपन हुआ था और 2,353 रैंक पे क्लोज हुआ था। वहीं ओबीसी कैटेगरी में जेंडर फीमेल के लिए 3,465 ओबीसी रैंक पे ओपन हुआ था और 5,034 ओबीसी रैंक पे क्लोज हो गया था। वहीं कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में एससी कैटेगरी की बात करें तो एससी कैटेगरी में जेंडर न्यूट्रल के लिए आपको 983 रैंक पे ओपन हुआ था एससी रैंक पे ओपन हुआ था और 1,109 रैंक एससी रैंक पे क्लोज हुआ था। वहीं एससी कैटेगरी में फीमेल की बात करें तो 1,970 एससी रैंक पे ओपन हुआ था और 1,970 एससी रैंक पे क्लोज हो गया था। वहीं एसटी कैटेगरी में बात करें तो जेंडर न्यूट्रल के लिए 503 एसटी रैंक पे ओपन हुआ था और 511 एसटी रैंक पे क्लोज हो गया था। वहीं एसटी कैटेगरी में अगर फीमेल की बात करें तो 853 रैंक पे क्लोज हुआ था। साथ ही बात कर लेते हैं आईआईटी जम्मू में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की। तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए आपको आईआईटी जम्मू में जेंडर न्यूट्रल का और ओपन कैटेगरी में अगर देखें तो 7,342 रैंक पे ओपन हुआ था, 9,988 रैंक पे क्लोज हुआ था। वहीं अगर फीमेल कैटेगरी का देखें तो 15,465 और जनरल रैंक पे ओपन हुआ था और 18,056 जनरल रैंक पे क्लोज हुआ था। अब बात कर लेते हैं ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की। तो जेंडर न्यूट्रल के लिए आपको 1,541 पे ओपन हुआ था और क्लोज हुआ था 1,745 ईडब्ल्यूएस रैंक पे क्लोज हुआ था। वहीं फीमेल कैटेगरी की बात कर लेते हैं ईडब्ल्यूएस में, तो फीमेल कैटेगरी का 3,419 ईडब्ल्यूएस रैंक पे ओपन और क्लोज दोनों हो गया था, ठीक है।
साथ ही बात कर लेते हैं ओ बी सी एन सी एल के जनरल न्यूट्रल की, तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए ओ बी सी एन सी एल में आपको 3520 रैंक पर ओपन हुआ था, 4088 रैंक पर क्लोज हो गया था। वहीं ओ बी सी में अगर फीमेल की बात करें तो 6427 पे ओपन हुआ था, 6630 पे क्लोज हुआ गया था। एस सी कैटेगरी में जनरल न्यूट्रल की बात करें तो 2408 पे क्लोज हुआ था, और फीमेल कैटेगरी की बात करें तो 3324 पे क्लोज हो गया था। वहीं एस टी कैटेगरी में जनरल न्यूट्रल की बात करें तो 1004 पे क्लोज हुआ था, और जनरल फीमेल की बात करें एस टी कैटेगरी में तो एस टी रैंक 739 पी पे क्लोज हुआ था। बात कर लेते हैं मटेरियल साइंस की, तो मटेरियल साइंस एंड इंजीनियरिंग में आपको जनरल न्यूट्रल के लिए ओपन कैटेगरी में 14562 पे ओपन हुआ था, 14983 पे क्लोज हुआ था। वहीं फीमेल कैटेगरी में आज बात करें ओपन कैटेगरी में फीमेल की बात करें तो 25281 पे ओपन हुआ था, और 26294 पे क्लोज हो गया था। वहीं ईडब्ल्यूएस की बात करें मटेरियल साइंस के लिए, तो जनरल न्यूट्रल के लिए आपको 2220 ईडब्ल्यूएस रैंक पे ओपन हुआ था, 2227 ईडब्ल्यूएस रैंक पे क्लोज हो गया था। वहीं ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में ही अगर फीमेल की बात करें तो 4308 पे क्लोज हुआ था। बात कर लेते हैं मटेरियल साइंस में ओबीसी कैटेगरी के, तो जेंडर न्यूट्रल के लिए 5283 पे ओपन हुआ था, 5612 पे क्लोज हो गया था। वहीं मटेरियल साइंस में एससी कैटेगरी की बात करें तो जेंडर न्यूट्रल के लिए 2896 पे ओपन हुआ था, और 3043 पे क्लोज हो गया था। वहीं एससी कैटेगरी में फीमेल की बात करें तो 2115 पी पे ओपन हुआ था, और 2115 पी पे क्लोज हो गया था। साथ ही बात कर लेते हैं मटेरियल साइंस में एसटी कैटेगरी की, तो जेंडर न्यूट्रल के लिए 735 पी पे ओपन हुआ था, 735 पी पे क्लोज हो गया था। वहीं एसटी कैटेगरी में अगर फीमेल की बात करें मटेरियल साइंस के लिए तो वो 1398 पे ओपन हुआ था, और 1398 पी पे क्लोज हो गया था। वहीं बात कर लेते हैं भाई जम्मू में मैकेनिकल इंजीनियरिंग की, तो आप ओपन कैटेगरी अगर जेंडर न्यूट्रल के लिए देखें तो 9997 पे ओपन हुआ था, और 12989 पे क्लोज हुआ था। वहीं फीमेल कैटेगरी की देखें तो 22630 पे ओपन हुआ था, और ये 24256 पे क्लोज हो गया था। वहीं ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में जनरल न्यूट्रल का देखें तो ईडब्ल्यूएस रैंक 2021 पे क्लोज हुआ था। ईडब्ल्यूएस में अगर फीमेल कैटेगरी का देखें तो 4075 पे ईडब्ल्यूएस रैंक पे क्लोज हो गया था। साथ ही बात कर लेते हैं ओबीसी एनसीएल के, तो जनरल न्यूट्रल के ये 4168 ओपन हुआ था, और ओबीसी रैंक 4917 पे क्लोज हो गया था। साथ ही बात कर लेते हैं ओबीसी में फीमेल की, तो ये फीमेल कैटेगरी की तो 8863 पे ओपन एंड क्लोज दोनों हो गया था। मैकेनिकल में ही अब एससी कैटेगरी की बात कर लेते हैं, तो जेंडर न्यूट्रल के लिए ये 1892 पे ओपन हुआ था, और 2544 पे एससी रैंक पे क्लोज हो गया था। वहीं एससी में अगर फीमेल कैटेगरी की बात करें तो 365 पी पे क्लोज हो गया था। एसटी कैटेगरी की बात करते हैं जेंडर न्यूट्रल के लिए, ये मैकेनिकल इंजीनियरिंग में आपको 1019 एसटी रैंक पे ओपन हुआ था, 120 पी पे क्लोज हुआ था। वहीं एसटी कैटेगरी में अगर फीमेल की बात करें तो 875 पी पे ओपन हुआ था, और 875 पी पे क्लोज हो गया था। सो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे, अगर आपको लगा कि ये वीडियो अच्छा है, तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और अगर आपको कोई दिक्कत आ रही हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर जरूर बताएं, या नहीं तो टेलीग्राम लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हो, वहाँ ज्वाइन होकर आप हमें कोई भी क्वेरी आ रही है तो वहाँ आप हमसे पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।